सूचना प्रसारण मंत्रालय MIB ने सितंबर में एक साथ 8 टीवी चैनल के लाइसेंस जारी किए हैं। इसके तहत जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड और बाबा रामदेव के वैदिक ब्रॉडकास्टिंग को लाइसेंस जारी किए गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण वैदिक ब्रॉडकास्टिंग के सर्वे सर्वा हैं। बालकृष्ण की वेबसाइट के अनुसार यह कंपनी आस्था और आस्था भजन चैनलों का संचालन कर रही है। जनवरी में बाबा रामदेव ने बताया था कि वैदिक ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रीय भाषा में प्रवेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाइसेंस मिलते ही चैनल लॉन्च कर दिए जाएंगे। कंपनी की ओर से जनवरी में आस्था टीवी ऐप भी लॉन्च किया गया था। ZMCL को चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के नाम से न्यूज कैटेगरी में अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग के 4 लाइसेंस मिले हैं। वही वैदिक ब्रॉडकास्टिंग को नॉन न्यूज कैटेगरी में आस्था तमिल, आस्था तेलुगु और आस्था कन्नड़ के नाम से अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग के 3 लाइसेंस मिले हैं। जानकारी के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को मलयालम भाषा में जी केरला और जी केरलाम HD के नाम से जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की लॉन्चिंग की मंजूरी मिली है। दरअसल जिंदगी और जी क्लासिक का नाम बदलकर उन्हें जी केरलाम और जी केरलाम HD किया गया है। दोनों चैनल बंद हो चुके हैं। इसके अलावा जिंगी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया को भी नॉन न्यूज कैटेगरी में UTV HD के नाम से अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग का लाइसेंस मिला है। वहीं बता दें आपको कि मंत्रालय की ओर से सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और सब मराठी चैनल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। SPN की ओर से इस नाम को सरेंडर कर दिया गया था। गौरतलब है कि मंत्रालय की ओर से अब तक 1116 प्राइवेट सैटेलाइट TV चैनल को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि बाद में 247 की अनुमति कैंसिल की जा चुकी है। ऐसे में अब देश में 869 प्राइवेट TV चैनल के पास मंत्रालय की मंजूरी है, जिसमें से 386 न्यूज और 483 नॉन न्यूज चैनल शामिल हैं।